हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है और आज हम लोग देखने वाले हैं अपने डिज़ाइन में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो आइए देखते हैं। पहले आपको इमेज को सिलेक्ट करना है और यहां से आपका एक सिलेक्शन बनाना है जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो आप यहां से इमेज को सिलेक्ट करके यहां से सब्जेक्ट को क्लिक करना और आपका सिलेक्शन बन जाएगा। तो आपका जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन बन जाए तब आपको यहां पे मास्क अप्लाई करना है, ठीक है। मास्क अप्लाई करने के बाद बैकग्राउंड में आप कोई भी सॉलिड कलर ले लेना, ठीक है। जैसे कि मैं एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है, ये कलर मैंने ले लिया बैकग्राउंड में, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको पेन टूल सिलेक्ट करना है। पेन टूल से आपको कुछ इस तरीके से पाथ को ड्रॉ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। इस तरीके से आपको एक पाथ ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब पाथ जब आपका यहाँ से आप शिफ्ट को होल्ड करके अगर पाथ को ड्रॉ करते हो तो लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो अब ड्रॉ होने के बाद कंट्रोल टी दबाना है, ठीक है। कंट्रोल टी दबाने के बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट टूल लेना है और आप जो टेक्स्ट लिखोगे उसका साइज पहले से आप लोग दे सकते हो यहाँ पे, और कोई भी फॉन्ट हो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। साइज को आप दे देना, मैं जैसे यहाँ पे रखूँ, और आपका जो टेक्स्ट होगा उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देना और आपका ये डिज़ाइन रेडी है। तो आपको ये डिज़ाइन वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।